नमस्कार दोस्तों, मैं सुफले सिंह एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल गैलेक्सी क्लासेस में। आज हम लोग रसायन विज्ञान में पढ़ेंगे, प्लास्टिक पढ़ेंगे। प्लास्टिक पढ़ते हैं, ठीक है, प्लास्टिक पढ़ते हैं, मतलब कि पॉलीथीन। प्लास्टिक क्या होती है? देखिए, प्लास्टिक जो होती है वो एक तो असंतृप्त, असंतृप्त तृप्त हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन कार्बन का बहुलक होती है, बहुलक। ठीक है, देखिए पूछा जा सकता है आपसे कि प्लास्टिक क्या होती है। आपके जो ऑप्शन है उसमें एथिलीन नहीं दिया है, ठीक है, एसिटिलीन नहीं दिया है, तब आप क्या करेंगे? कहीं पे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दे दिया, संतृप्त हाइड्रोकार्बन दे दिया, एल्केन दे दिया, एल्केन दे दिया, तब आप क्या करोगे? इसीलिए समझना अनिवार्य है। देखिए समझिए, क्या है प्लास्टिक? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का एक बहुलक है, ठीक है। अब इसमें दो तीन टर्म आ रहे हैं, एक तो असंतृप्त, इसको आपको मालूम होना चाहिए किसे कहते हैं, और हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, बहुलक किसे कहते हैं, या बहुलीकरण किसे कहते हैं, ठीक है। एक एक टर्म को अच्छे से समझते हैं, ठीक है, क्योंकि तीन ही चीज़ें लिखी हुई हैं और इन्हीं तीन चीज़ों में से नहीं समझेंगे, ठीक है, तो नहीं आएगा। कहीं ना कहीं क्वेश्चन अगर घुमा के आएगा तो फंस जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो असंतृप्त और संतृप्त क्या होता है, हम लोग इतना पढ़ चुके हैं, ठीक है, बहुत बच्चे जो है पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी नहीं मालूम है संतृप्त क्या होता है, असंतृप्त क्या होता है। तो देखिए, असंतृप्त का मतलब असंतुष्ट, असंतुष्ट, और संतृप्त का मतलब संतुष्ट, ठीक है, असंतुष्ट, असंतृप्त, और संतृप्त का मतलब होता है संतृप्त, ठीक है, संतृप्त का मतलब होता है संतुष्ट, संतुष्ट, ठीक है, संतुष्ट होता है, यानी कि असंतृप्त का मतलब असंतुष्ट और संतृप्त का मतलब संतुष्ट होता है। किसको कौन संतुष्ट करता है या नहीं करता है? देखिए, कार्बन में जो है चार हाथ होते हैं, ठीक है, कार्बन की बैलेंसी जो होती है सदैव चार होती है, क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। इसी कितनी होती है, एग्जाम पेपर में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो कार्बन की बैलेंसी होती है चार, चार बैलेंसी का मतलब होता है इसके चार हाथ हो गए, और चारों ही हाथ से क्या पकड़ता है, हाइड्रोजन पकड़ता है। अगर ये इसके चार हाथों से हाइड्रोजन पकड़े गए हैं तो हो जाएगा संतुष्ट, यानी कि हाइड्रोजन पर्याप्त है तो वो संतुष्ट हो जाएगा, ठीक है, ये हाइड्रोजन पर्याप्त है तो वो संतुष्ट हो जाएगा, यानी कि संतुष्ट हो गया क्योंकि हाइड्रोजन ज़्यादा है। अब यहीं पे क्या होता है, अगर मान लीजिए यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम है, ठीक है, हाइड्रोजन की संख्या कम है तो ये होता है असंतुष्ट। हाइड्रोजन की संख्या कम रहेगी तो ये रहेगा असंतुष्ट। असंतुष्ट होने के कारण ही इसे असंतृप्त कहा जाता है, क्योंकि ये संतुष्ट नहीं है, इसके पास कम हाइड्रोजन है और ये संतुष्ट नहीं है, तो जो संतुष्ट नहीं होगा उसे असंतृप्त या असंतुष्ट कहा जाएगा। जैसे आप पेट भर के खा लीजिए, ज़्यादा खा लीजिए, ज़्यादा हाइड्रोजन का मतलब ज़्यादा खा लीजिए, आप संतुष्ट हो जाएंगे। अगर आप कम खाते हैं तो आप असंतुष्ट होते हैं। यही चीज़ यहाँ पर भी है, कोई नई चीज़ नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये आपके असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो गए, तो असंतृप्त कहाँ पे होंगे? देखिए यहाँ पर भी सी के चार हाथ हैं, एक दो तीन चार हाथ, इस वाले सी के चार हाथ, एक दो तीन चार हाथ, सी के हाथ उतने ही रहेंगे, यानी कि सी के बॉन्ड उतने ही रहेंगे, ज़्यादा या कम नहीं होते हैं। बस ये है कि यहाँ पे देखिए फ्री है, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया, तो डबल बॉन्ड हो गया, ये दोनों आपस में एक दूसरे को पकड़ लिए, इसीलिए हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है, कम हो जाती है। तो हाइड्रोजन की संख्या जब कम हो जाती है तो यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाती है, यानी कि द्विबंध, द्विबंध या त्रिकबंध, ठीक है, त्रिबंध, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, यानी कि जितने भी द्विबंध वाले त्रिबंध वाले होते हैं वो सभी असंतुष्ट होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर त्रिबंध वाला एक एग्जाम्पल अगर लिखना चाहें तो ये जैसे आपका हो गया, ठीक है, ये हो गया, ये चीज हो गया, यानी कि C2H2, इसे क्या कहते हैं, एसिटिलीन कहते हैं। ये क्या है, C2H4 है, यानी कि एथिलीन है। इसी से ही आपकी पॉलीथीन बनती है, इसी का बहुलीकरण करते हैं। जब ये भी आपके एग्जाम क्वेश्चन में पूछा गया है किसके बहुलीकरण से पॉलीथीन मिलती है, तो एसिड ये एथिलीन होती है, एथिलीन के बहुलीकरण से पॉलीथीन मिलती है, एथिलीन के बहुलीकरण से पॉलीथीन मिलती है, वही पॉलीथीन जिसमें हम लोग सामान लाते हैं, ठीक है।
तो ये हो गया। इधर क्या है, सिंगल बॉन्ड है यानी कि संतृष्ट संतृप्त है ये CH4, तो इससे ये संतृप्त हो जाता है यानी कि इसके पास जो है सिंगल बॉन्ड वाले सारे संतृप्त होते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। दूसरी चीज हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो का मतलब होता है एच, कार्बन का मतलब सी, यानी कि जिसमें सी और एच हो, सी और एच हो, सी और एच हो, सी और एच हो, ठीक है, तो उसे कहते हैं हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब बहुलक क्या होता है, ठीक है, बहुलक क्या होता है, देखिए बहुलक क्या होता है, जब किसी भी दो चीज़ों को परस्पर क्रिया कराई जाती है, C2H4, ठीक है, की पावर n, जब इसकी क्रिया कराई जाती है, ठीक है, या इसका बहुलीकरण किया जाता है, तो इसी अणुभार के, ठीक है, इसी अणुभार के और इसी अणुसूत्र का, अणुसूत्र का दूसरा नया उत्पाद बनता है। क्या? सेम अणुभार का, सेम अणुसूत्र का दूसरा नया उत्पाद बनता है और बहुत सारे उत्पाद बनते हैं, तो इसीलिए उसको कहा जाता है ये बहुलीकरण। क्या होता है? NC2H4, ये आपका हो जाता पॉलीथीन, ठीक है, बस ये पॉलीथीन हो जाता है, ये एथिलीन है। तो इसका जब बहुलीकरण कराते हैं तो सेम अणुभार का, सेम अणुसूत्र का एक नया उत्पाद बन जाता है, ठीक है, उसी के गुणज में, जैसे यहाँ पे N है तो N के गुणज में ही नया उत्पाद बन जाएगा, जिसको कहा जाता है बहुलीकरण। इस प्रक्रिया को बहुलीकरण, यानी कि उसका अणुभार अणुसूत्र सेम होना चाहिए, तो बहुलीकरण, ठीक है। तो ये चीजें हो जाती हैं आपके, ठीक है, असंतृप्त समझे होंगे। अब जो है इसी से पॉइंट बनता है आपके एग्जाम में, क्या बनता है, ये बनता है कि प्लास्टिक आपको कैसे मिलती है, तो प्लास्टिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से मिलती है, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये हो जाता है कि असंतृप्त का मतलब द्विबंध या त्रिकबंध, द्विबंध, ठीक है, या क्योंकि असंतृप्त का मतलब यही होता है द्विबंध या त्रिबंध, ठीक है, त्रिबंध हाइड्रोकार्बन के बहुलीकरण से मिलता है। क्या? द्विबंध या त्रिबंध के हाइड्रोकार्बन बहुलीकरण से मिलता है, यानी कि केवल इतना चीज रखेगा या तो इतनी चीज रखेगा। आपके पेपर में जब विकल्प देगा, या तो ये चीज रखेगा का बहुलीकरण, या तो ये द्विबंध या त्रिबंध का बहुलीकरण रखेगा, या तीसरी चीज क्या रखेगा, एथिलीन, एथिलीन, ठीक है, एथिलीन होती है C2H4, इसका जो है बहुलीकरण। तो C2H4 यानी कि एथिलीन का बहुलीकरण करने से पॉलीथीन मिल जाती है, ठीक है। तो ये चीज होती है आपके प्लास्टिक, ये सारे ही पॉइंट, और जितना हमने बताया है वो सारे ही आपके एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं, ठीक है। अब इससे देखिए दो चीजें निकल के आती हैं, एक तो होती है प्राकृतिक प्लास्टिक, प्राकृतिक प्लास्टिक, प्लास्टिक, ठीक है, और एक होती है कृत्रिम प्लास्टिक, कृत्रिम प्लास्टिक, ठीक है। दो चीजें होती हैं, एक होती है प्राकृतिक प्लास्टिक यानी कि जो हमें प्रकृति से मिलती है, पेड़ पौधों से मिलती है, जानवरों से मिलती है, या जिसे भगवान ने बनाया है वो प्राकृतिक प्लास्टिक हो गई, और एक होती है कृत्रिम प्लास्टिक यानी कि उसे लेबोरेटरी में बनाया जाता है या इंसानों द्वारा बनाया जाता है। प्राकृतिक प्लास्टिक में होता है लाह, क्या होती है लाह, ये किससे मिलता है, ये जैसे रेशम का कीड़ा होता है तो रेशम के कीड़े से रेशम मिलता है, सीप से सीप मिलता है, ठीक है, मोती मिलता है, उसी प्रकार से ये भी आपका कीड़े से ही मिलता है, किससे, कीड़ा, ये कीड़े से ही मिलता है, क्या, लाह, कीड़े से मिलता है लाह, लाल लाल रंग का होता है, और इससे जो है क्या कहते हैं, लाह जो होता है इसमें आग बहुत जल्दी पकड़ लेता, क्यों, क्योंकि प्लास्टिक होता है तो इसीलिए आग बहुत जल्दी पकड़ लेता, जलने लगता है। इसकी क्या बनती है, इसकी चूड़ियाँ बनती हैं, जो शादी विवाह में चूड़ियाँ पहनी जाती हैं वो लाह की चूड़ियाँ बनती हैं, ठीक है। महाभारत में दुर्योधन ने पांडवों के लिए लाक्षा गृह का निर्माण किया था, लाक्षा गृह, और लाक्षा गृह वो इसी लाह का बना हुआ था, प्लास्टिक का घर, ठीक है, वो लाक्षा गृह था, इसीलिए उसमें आग लग गई थी, ठीक है। तो ये आपकी प्राकृतिक प्लास्टिक हो जाती है। कृत्रिम प्लास्टिक क्या होती है, कृत्रिम प्लास्टिक जो होती है ये भी आपके दो टाइप की होती है, ठीक है, ये आपके कृत्रिम प्लास्टिक जो होती है ये भी आपके दो टाइप की होती है, ठीक है। एक तो हो जाती है थर्मोप्लास्टिक और एक होती है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है।
ये दो तरीके की प्लास्टिक होती हैं, एक होती है थर्मो प्लास्टिक होती है, एक होती है थर्मो सेटिंग प्लास्टिक होती है। ठीक है, ये दो तरीके की प्लास्टिक हो जाती हैं, थर्मो प्लास्टिक और थर्मो सेटिंग प्लास्टिक। थर्मो प्लास्टिक क्या होता है, इसे गलाइए और फिर कुछ बना दीजिए, फिर अगर वो टूट जाए फिर गलाइए फिर कुछ बना दीजिए, यानी कि इसमें जो है गलाना, गर्म करने पे गल जाती है और जो है जब ठंडी होगी तो कठोर हो जाएगी। इसमें हमेशा ये गुण रहता है, थर्मो का मतलब होता है गर्म करना, थर्म थर्म का मतलब होता है गर्म, यानी कि गर्म करने पर ये इसे अपने अनुसार ढाला जा सकता है। ठीक है, गर्म करने पे इसे बार बार अपने अनुसार ढाला जा सकता है, इसीलिए इसको कहा जाता है थर्मोप्लास्टिक कहा जाता है। और इसके उदाहरण पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में कि थर्मोप्लास्टिक कौन कौन से होते हैं, तो देखिए पॉली, ठीक है, पॉली पॉली एथिलीन, एथिलीन, ठीक है, एथिलीन वही जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था, ये वाला एथिलीन। पॉली इसलिए लगा, पॉली का मतलब होता है बहुत सारे अणु, एक अणु से तो पॉलीथीन बनेगी नहीं, बहुत सारे अणुओं को जो है इसमें मिलाया जाता है तो पॉली एथिलीन हो जाता है। ठीक है, पॉली स्टाइरीन हो जाता है, पॉली विनाइल क्लोराइड हो जाता है। ठीक है, पॉली विनाइल क्लोराइड हो जाता है, यानी कि ये चीजें जिसमें जिसमें पॉली आपकी लगी हुई है वो सभी क्या होती हैं, पॉलोथीन होते हैं। क्या? पॉलोथीन, पॉली थीन होती है, पॉलीथीन याद रखिएगा, पॉली से पॉलीथीन, यानी कि उनको गलाइए, गर्म करिए, गर्म करने के बाद वो मेल्ट हो जाएंगी, पिघल जाएंगी और पिघलने के बाद नया सामान फिर से बन जाएगी। तो ये होता है पॉली, पॉली 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 का मतलब थर्मोप्लास्टिक यानी कि पॉलीथीन, पॉली का मतलब पॉलीथीन और पॉलीथीन का मतलब हो गया उसको एक बार गर्माइए और कई बार बनाइए। ठीक है, ये तीन चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी गई हैं, दो चीज़ें और, एक तो होता है टेफ्लॉन, एक हो नायलॉन, नायलॉन नायलॉन याद रखिएगा, टेफ्लॉन याद रखिएगा, टेफ्लॉन। ठीक है, ये आपसे एग्जाम में पूछा गया है, ये कौन सी प्लास्टिक है, थर्मो प्लास्टिक है। इसमें आपको अगर याद करना है तो इसमें याद करिएगा थर्मो सेटिंग प्लास्टिक, थर्मो सेटिंग का मतलब है गर्म करिए एक बार सेटिंग कर दे दी, यानी कि सेट कर दीजिए, तो गर्म करिए और एक बार सेट कर दीजिए, गर्म करने पे जो एक बार सेट हो जाता है और फिर उसमें परिवर्तन नहीं आता है तो इसे कहते हैं थर्मो सेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। ठीक है, थर्मो सेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। जैसे इसमें आता है बेकेलाइट, बेकेलाइट, ठीक है, बेकेलाइट आता है। अब देखिए इसमें इसका यूज क्या होता है, जैसे थर्मो सेटिंग प्लास्टिक, अब जैसे एक बार गर्म किया उसको बना दिया गया, ढाल दिया गया, ठीक है, अब उसमें जो है चाहे जितनी आग पकड़ाइए आग नहीं पकड़ेगा, यानी कि ये जो है इसमें जो है आग नहीं पकड़ता है। अब जैसे टीवी का केस हो गया, ठीक है, टीवी केस हो गया, मोबाइल केस हो गया या रेडियो केस हो गया, ठीक है, रेडियो केस हो गया, कभी अगर उनको जलाइए, जो उनका ऊपर का जो खोल होता है उसको जलाइए तो जलेगा नहीं, वो सुलग सुलग के राख हो जाएगा, राख हो जाता है, उसकी राख बन जाती, राख बन जाती है लेकिन वो जलता नहीं है। ठीक है, ये क्या होती है, जलती और पिघल जाती है, मेल्ट हो जाती है, पिघल जाएगी, पिघल के कुछ भी बनाया जा सकता है। इसमें क्या होगा, ये जलेगा नहीं, इसमें जो है धुआं उठेगा और धुआं उठ के वो समाप्त हो जाएगा, लेकिन ये इतनी जल्दी जलता नहीं है। ठीक है, तो ये बेकेलाइट का बनता है। ठीक है, जैसे टीवी वगैरह के केस हो गए, रेडियो वगैरह के केस हो गए, जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, अगर जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस गर्म हो गई तो गर्म होने से पिघल जाएंगी, इसीलिए इसके नहीं वो इसकी बनाई जाती हैं। ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो होती हैं ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की होती हैं। आपसे एग्जाम में यही पूछा गया था एक बार कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती हैं वो किस प्लास्टिक की बनाई जाती हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो होती हैं वो बेकलाइट की बनाई जाती है, या टीवी केस वगैरह या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की बनाई जाती हैं। और ये क्या होती है, जैसे जो बाजार की पॉलीथीन होती है वो इससे बनती है, बड़ी सी जो पानी की बरसाती होती है वो भी इससे बनती है, हाँ, और जो है क्या कहते हैं कोई बाल्टी हो गई प्लास्टिक की वो भी इससे बनती है, यानी कि इससे काफ़ी कुछ बनता है, लेकिन इस पे वही चीज़ें बनती हैं जिसको जलना नहीं होता है, यानी कि जिनको ऐसे यंत्र बनाए जाते हैं जिनको जलने से खतरा रहता है, गर्म होने से खतरा रहता है, उसको बनाया जाता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है, तो ये हो गया आपका कुछ प्लास्टिक। ठीक
ठीक है, इतने आपसे ये सारे क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन आपके इसमें से बेकेलाइट बहुत ज्यादा पूछा गया है, बेकेलाइट बहुत ज्यादा पूछा गया है। और इधर पॉलीथीन, पॉली 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 पॉलीथीन याद रखेंगे, थर्मोसेटिंग याद रखेंगे, नाइलॉन टेफ्लॉन याद रखेंगे, बेकेलाइट, ठीक है, ये सारे आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा मात्रा में पूछे जा चुके हैं, ये सभी आपके पिछले एग्जाम के ही प्रश्न हैं, ठीक है। अब इसमें से जो है इतना आपको याद करना है, ठीक है, इसके नोट्स बना लीजिएगा, और जैसे मैंने बताया पॉली 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 पॉलीथीन थर्मोप्लास्टिक ऐसे आपको याद कर लेना है, एक दो बार आप नोट्स बना लेंगे जैसे पढ़े हैं आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो इतना ही रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।